हेलो गाइस, आप कैसे हैं? ठीक है ना? आजकल मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैंने इससे पहले आपको पॉजिटिव पढ़ाया है, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ाया है, और मैं आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक चीज केयर कीजिएगा, इससे पहले मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में क्या बताया था कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूटता है तो दैट का यूज होता है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब टूटता है तो उसकी जगह इफ या वेदर का यूज होता है। आज मैं आपको बताऊंगा इंपरेटिव सेंटेंस में, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब टूट के एक सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या यूज होता है? टू यूज होता है। ये स्टूडेंट केयर कीजिएगा आप, कि जैसे आई सेड टू द सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ओपन द डोर, लकी, इसमें दो पार्ट है गुड, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, गुड, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको क्लियर करनी है कि दैट का यूज करना है, तो जब ये दोनों टूटता है तो दैट का यूज होता है। तीसरा जो ये हमको बताएंगी कब आप इफ या वेदर का यूज करती हैं? जब इनवर्टेड कॉमा को तोड़ते हैं। गुड, जब क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है रिपोर्टेड, तो वहां पे क्या होता है? इफ या वेदर का यूज होता है। अब ये बताना है आप हमको, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो उसमें क्वेश्चन वर्ड और उसको पॉजिटिव कर देते हैं सेंटेंस को। अगर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तोड़ के उसकी जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि बताएंगे कुछ स्टूडेंट कि जिसमें मान लीजिए सफिया बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। गुड, जुनैरा सेकंड पर्सन में कौन लोग आते हैं? यू एंड जोया थर्ड पर्सन के प्लूरल में कौन लोग आते हैं? गुड, लकी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में कौन लोग आते हैं? वी आवर अस, गुड, और सिंगुलर में कौन लगाते हैं? आई माई मी, गुड, और जुनैरा हमको बताएंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में कौन लोग आते हैं? जुनैरा काफी तेज हो गई है, गुड गर्ल, ओके। रूल्स है, जिस वाक्यों में आज्ञा प्रार्थना उपदेश या विनय पाए जाए उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रूल्स वन, रिपोर्टिंग में से की जगह क्या यूज करते हैं? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, बेग आदि का प्रयोग करते हैं। अगर ऑर्डर आता है, ऑर्डर देने वाले शब्द क्या होते हैं? ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर, चार्ज, बिट, टेल आदि होते हैं। दूसरा क्या है? एडवाइस देने वाले शब्द, एडवाइस, आर्ग्यो, एक्सहॉर्ट, परस्यूट, इंसिट, फॉरबिड होता है। एंड रिक्वेस्ट देने वाला शब्द, रिक्वेस्ट, बेग, आस्क, इम्प्रो, बिसीक, इंट्रीट, डिजायर आदि शब्द होते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है, अगर ऑर्डर आते हैं तो ये सब यूज होगा, एडवाइस होगा तो ये सब यूज किया जाएगा, और रिक्वेस्ट देने वाली बात होगी तो ये सारे शब्दों का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल्स, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले इन्फिनिटिव का चिन्ह टू लगा देते हैं। जैसे देखिए, आई सेड टू द सर्वेंट ओपन द डोर, मतलब मैंने नौकर से कहा ओपन द डोर, ये क्या कर रहा है? इसको गुड ऑर्डर दे रहा है भाई, नौकर को लोग कहते हैं खोल दो दरवाजे, खोल दो, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे? आई क्या हो जाएगा सेड की जगह? O R D E R E D, ordered the servant, SERVANT, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टूट रहा है और इंपरेटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू, गुड, टू ओपन द डोर, ओपन OPEN, ओपन द डोर DOOR, DOOR, OR, ओके। नेक्स्ट देखिए,
द हेडमास्टर सेड टू द बॉय स्टैंड अप ऑन योर स्टूल. हेडमास्टर ने बच्चों से कहा अपने स्टूल पे खड़े हो जाइए. क्या है, क्या किया जा रहा है इसमें? सजेशन करेगा टीचर जो स्टूडेंट से क्या कहेगा? ऑर्डर दे गए. क्या कहेंगे? द हेड एच ई ए डी हेड मास्टर एम ए एस टी ई आर मास्टर ऑर्डर्ड यू आर डी ई आर ई डी ऑर्डर्ड बॉयज. बॉयज क्या हो जाएगा? टू एस टी ए एंड स्टैंड अप ऑन देयर स्टूल. योर है ना तो इसके लिए देयर जाएगा. देयर टी एच ई आई आर देयर स्टूल एस टी डबल ओ एल स्टूल. स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका द कैप्टन सेड टू द सोल्जर टर्न टू राइट. तो कैप्टन सैनिकों से क्या कहते हैं? तो इसमें क्या कहा जा रहा है? ये किसमें क्या है? एडवाइस दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है. गुड. क्या हो जाएगा? द कैप्टन सी ए पी टी ए आई एन कैप्टन कमांडेड सी ओ डबल एम ओ एन डी ई डी कमांडेड द सोल्जर एस ओ एल एस ओ आई एल डी ई आर सोल्जर टू टर्न ई यू आर एन टर्न टू द राइट आर आई जी एच टी. ओके डियर स्टूडेंट, इस आप देख रहा हूं कुछ बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है. कमेंट बॉक्स में राइट होता है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है. ठीक है, आइए देखिए कुछ पुरानी बातें फिर से समझ लेते हैं. जैसे 1 2 3 एस ओ एन, पहली बात हमको क्लियर करनी है जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड. तो यहाँ पे ये रिपोर्टेड है कि ये रिपोर्टेड है? रिपोर्टेड. गुड. एड है, रिपोर्टेड है. ये क्या है? ठीक है, आई एन जी टी. तो इसका मतलब होता है अगर रिपोर्टेड मतलब अंदर वाला भाग फर्स्ट पर्सन में होता है तो वह रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. अगर रिपोर्टेड जो पर्सन होता है सेकंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है. अगर रिपोर्टेड में अगर थर्ड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग नो चेंज होता है. एक चीज हमको ये भी बताइए कि अगर कोई नाम होता है तो कौन से पर्सन में होता है? थर्ड पर्सन. अगर यू होता है तो सेकंड. गुड. मी होता है तो फर्स्ट. तो वी क्या होता है? फर्स्ट ही होगा. गुड. और दे थर्ड का प्लूरल. अच्छा, शी थर्ड का. गुड, बहुत अच्छी तरह आपने लर्न किया है, बहुत अच्छी बात है. ऐसे ही आप याद करते रहिए, आपका बहुत अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार हो जाएगा. डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका ही सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा स्टार्ट प्लीज गिव मी योर बुक. क्या जाएगा? ही रिक्वेस्टेड आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी रिक्वेस्टेड मी. क्या जाएगा? दोनों टूटेगा तो टू. फिर क्या जाएगा? गुड. माई बुक. गिव हिम माई बुक. डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा. ओके, बाय.